The star in the house. Star in the house. How are you? I can see you're so angry today and you're upset with the system, the way people are behaving. Yes, very, very, very. But it's okay. Those are little percentage. Baki, I know and I believe that my Indians and my people are abiding by all the rules like you, like me. And we are staying home and we are staying safe. So, salute to all of us. So you wanted me to come and so that cheer you up. Mood. Achha. But I think मैं अभी सोच रहा था hearing कि you're so upset with doctor and I could see like on your face like you're really 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 angry. Just upset कि वो doctors, policemen बाहर है हमारे लिए और हम उनके ऊपर ऐसी चीजें कर रहे हैं like I mean I say हम क्योंकि we are all in this together. तो अगर एक बंदा करता है तो हमारे पूरे ऊपर जिम्मेदारी आती है. इट्स नॉट अबाउट कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग एनीमोर. इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी बेसिस पे लोग नहीं समझ रहे बात, तो मैं क्या करूं? देखो, व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है अभी? कितना देर, क्या लगता है कितने दिन तक ऐसा रहना पड़ेगा? क्या लगता है? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, योर अंडरस्टैंडिंग? व्हाट डू यू थिंक? मुझे ये लगता है कि आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग प्रीटी वेल. सब अपने घर पे रह रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं. आई थिंक दिस लॉकडाउन शुड बी डन प्रॉपरली इन 21 डेज, पर 22nd डे पे प्रॉब्लम है कि 22nd डे पे लोग क्या करने वाले हैं. ये सब ढोल बजाएंगे, पार्टी में निकल जाएंगे. वही प्रॉब्लम है. आई होप ऐसा ना करें कि पता लगे सब शुरू हो गए, सारा वीकेंड स्टार्ट हो गया, सब फिर से रोड पे चले गए डांस करने. जैसे वर्ल्ड कप जीतने के टाइम पे नहीं बोलता कि एकदम पूरा सड़क पे निकल जाएगा, ऐसा वैसा ना हो. बट एनीवे, हम सब लोग इसलिए हैं कि अगर हम बात करके लोगों का मूड चेंज करते तो अच्छी बात है. बिकॉज़ एवरी टाइम यू स्विच ऑन द न्यूज, यू गो ऑन ट्विटर, यू गो एवरीवेयर, यू ओनली सी नेगेटिविटी. एंड वी कांट स्टॉप दिस राइट नाउ. हाउ मच वी कैन स्टॉप इट? वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट गुड थिंग. तो घर बैठे जो भी लोग हैं उनको अच्छा लगना चाहिए. जैसे लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है कि क्रिस्टल जो है वो इस साल लॉन्च होने वाली है, वो चेहरे रिलीज होने वाले थे, लेकिन अभी जो है वो सबका फिल्म पुश हुआ है. 83 भी पुश हो गया, सूर्यवंशी पुश हो गया, दिल बेचारा पुश हो गया, चेहरे पुश हो गया, सब पुश हो गया. तो बताओ ना अपनी फिल्म के बारे में, बता दे लोग अपनी फिल्म के बारे में बता दे. पीपल मस्ट बी वांटेड टू नो फ्रॉम यू. पेपर में तो पढ़ लिया, लेकिन तुमको क्या लगता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस? अमिताभ बच्चन बहुत दुनिया के लिए काम किया. फॉर मी वाज वेरी सरियल. मुझे बहुत ही यू नो ड्रीम जैसा लगा, बिकॉज आई डिडंट थिंक कि माय फर्स्ट फिल्म आई विल बी इन अ फिल्म विद अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर, लाइक इतने बड़े बड़े नाम. इनको ऐसे नहीं बोलूंगी कि बचपन से देखा है, लेकिन बहुत टाइम से देखा है. आई रिस्पेक्ट, आई रियली लुक अप टू देयर वर्क. तो टू वर्क इन द सेम फ्रेम विद अमिताभ जी, आई वॉज सो स्केर्ड, सो नर्वस, बट सो हैप्पी. एंड सो एंड माई मदर केम ऑन सेट दैट डे, बिकॉज ऑब्वियसली. तो आई वॉज जस्ट यू नो वेरी, इट वॉज माई, आई कुड सी हाउ प्राउड माई मदर वॉज ऑफ मी, एंड दैट जस्ट मेड मी वेरी वेरी हैप्पी. So it was a very good experience. I had, we shot a lot in Delhi. Tell me something about first day shooting experience with Mr. Amitabh sir, because I also worked with him. The great guy, so much learned from him. He's the biggest star of this country. But what's your experience? Then I'll tell you what I when I met him first time during Teen Patti. Then I did so many films with him. Amazing experience. But you tell me first. I want to hear from you. First time was one of the last few days of my shoot. Was the first time that I shot with him. I first finished my portion with Imran and my solo portion, and then we shot with Amitabh ji. So the day I met him, he said, I've heard so many good things about. I told him, I'm very nervous to shoot with you. He said, no, I'm very nervous to shoot with you because I've heard such good things about you. So that just made me feel very comfortable. So he made sure that I was very comfortable, very easy. He kept fooling around. He had so much life in him. You know, it was, and the moment that he came on set till the time my director said pack up, he has not left the set. He has sat there in a corner on his four chairs, and I was just sitting on the other corner looking, wow, so dedicated, so professional. I mean, there's so much to learn from him. He was so kind and itne acche insaan hai. Like, I really felt such a good vibe from him. I'm so blessed to be a part of this, and also thanks to you.
तो तुम अच्छे एक्टर ही हो, वो तो है. अब बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप मैम से पूछो एक्टिंग के बारे में. एक्टिंग के मैम अपनी जर्नी के बारे में बता दो ना, क्योंकि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू, मेरे को तो आई डोंट इवन नो आपसे योर जर्नी. पूछूंगी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ। मेरी जर्नी के बारे में तो सबको पता है, मेरी जर्नी के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है. बहुत ही जैसे सबका होता है स्ट्रगल करना, मैं तो आना चाहता था, वो तो सबको ही मालूम है. बट यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्टिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीवी, देन हाउ सो मेनी पीपल वांट्स टू बी क्रिस्टल डिसूजा. सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम टीवी में कैसे जाया जाए, क्या होता है, कैसे होता है पूरा प्रोसेस, बता दो ना लोग काम करने को. अभी टीवी तुमने छोड़ दिया, अब तुम फिल्म में जा रही हो, तो पहले टीवी के बारे में लोगों को बता के जाइए, ताकि वो लोग जो जाना चाह रहे हैं वो करें. I love TV, to be honest. TV has given me everything, and बहुत ही अच्छा training school भी है, क्योंकि आपको रोज गलतियां करने का मौका मिलता है और उसको सुधारने के भी मौका रोज ही मिलते हैं. Like you can do make mistakes today and you can correct yourself tomorrow, tomorrow, tomorrow. You have a new day every day. You can start clean slate every day. So that's a good training ground also. And I mean, if you're just talented, if you know your art, you love your art, you have passion for your art, you will do well everywhere and anywhere. Just dedication is important, hard work is important, and you know, there's no shortcuts to anything is what I feel. So TV mein mera journey is, it has been fabulous. I've played all kinds of characters, positive, negative, woman empowering, supernatural. I have comedy, I've done everything on TV, and that's when I realized ki I think it's time to say see you later, maybe not goodbye, but see you later. And then I joined web. I did my first web show also with Alt Balaji, which was Chitra. And I was also part of it, surprise. Of course, like I was just going to say, and you were again a part of my journey. So Fitrat was something that was really beautiful. It was in a very different space, very differently shot from normal, from how we shoot TV. So mere liye wo bhi ek alag experience tha. And from there, obviously the journey to Chehre has been beautiful. And honestly, there's no other word other than surreal for what I felt shooting for Chehre. Everything happened so fast. I left, we shot, and I came back. We are done with the film. I'm just now excited for the release and a good future ahead. चलो तो ऑल में तो वेरी हैप्पी है, तो चाहता हूँ कि जल्दी 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 से पिक्चर हिट हो और फिल्में मिले. ये तो है ही, और फिल्में तो मिल ही रही है मुझे, मालूम तो चल ही रहा है कि इतना कुछ तो हो रहा है, सबको पता है, सबको पता है. अच्छा मेरे को ये लो जो लोग कुछ 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 को सवाल, अच्छा दोस्तों अगर कुछ सवाल आपको पूछने उससे या मुझसे प्लीज पूछिए. एक सवाल वो पड़ेगी, एक सवाल मैं पढ़ूंगा, फिर बताते हैं क्या क्या सवाल है थोड़ा, क्योंकि क्या है कि इतना व्हेन इज द रिलीज, दोनों के रिलीज का भी कुछ पता नहीं, सारे फिल्में पुश होगी है, तो ना ही दिल पे चारा कुछ पता है, ना ही चेहरे का भी पता है, तो जैसे ही पता लगेगा हम दोनों एक साथ ही डाल देंगे कि फिल्में कब रिलीज होने वाले हैं. हां जी, योर टर्न. सब तो बोल रहे हैं हेलो हेलो, हाय मुकेश सर, यू आर सो ब्यूटीफुल. आई एम सो ब्यूटीफुल, थैंक यू. मुझे लगा उसके लिए बोल रहा है, मैं तो ठीक हूँ. ओह वाओ. What's your hobby, Crystal? What's your hobby? चलो बताओ. आजकल cooking हो गया है. I never knew how to cook. लेकिन आजकल experiment कर रही हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं घर पे. I don't have anyone. I live alone. तो खाना खुद बनाना पड़ता है. It's interesting. अभी hobby बन गया है. आज क्या नया बनाऊँ, इसमें क्या add करूँ कि taste better हो जाए. So I feel cooking and of course I love painting, dancing. मेरे hobbies ही हैं. मुझे singing और dancing का बहुत शौक है. पेंटिंग को मैंने कभी देखे नहीं. यू मेड सम पेंटिंग आल्सो व्हाट? या, आई हैव मेड लॉट ऑफ पेंटिंग्स. आई डोंट पुट देम अप. आई एम अ लिटिल शाय लाइक दैट. पर पेंटिंग कभी अभी दिखाई नहीं. एक आधा दिखा दो तो लोगों को यार, लोगों को सरप्राइज होना चाहिए. अभी है आसपास कोई रखी, घुमा दो कैमरा. आसपास नहीं है, मॉम के घर पे है. मॉम और डैड फिलहाल बॉम्बे में नहीं है, कनाडा में है ना. हां, सब सब वहां है. एंड थिंक, हां मुझे मालूम है. सो होम अलोन. पर जैसे यही सबको लर्न करना है कि हम सब घर पे बैठे हैं आप लोगों के लिए, ताकि लोग भी घर पे बैठे भैया अभी रुक जाओ, अभी ये बाकी के दो हफ्ते भी अच्छे से गुजर जाएं, ताकि हमारी जिंदगी नॉर्मल स्टार्ट हो, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम है. तनवीर कुछ पूछ रहा है, डू यू थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शूट अ ज़ॉम्बी मूवी, एंड मुकेश विल यू कास्ट द ज़ॉम्बी फॉर मी? ऑफ कोर्स तनवीर, मैं तनवीर आई ऑलवेज कास्ट फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू. I wish I could add a third person on the chat. He would ask him. Tanveer. Tanveer, yeah, please. Tanveer ke such a sweet guy. Yeah. Tanveer, tum jo zombie film banana chahiye. Whether we should make a zombie film. Oh, kya lagta hai? We should make a zombie film now or no? We should make zombie films for sure. Crystal, what's your relationship status? They're asking. Quarantined. तो दोस्तों आप समझ गए होंगे.
I'm big fan of you, Mukesh sir. Thank you. Thank you. It's a perfect time to cast for a zombie movie, The Diaries of Diana Singh. हाँ तो विश हमको करना चाहिए. अगर आपको भी कुछ अच्छा सा आइडिया आता है फिल्म का, कोई ऐसी कहानी है तो तनवीर का, तनवीर अपने ईमेल आईडी अगर आप अभी यहाँ पे छोड़ दोगे तो हाँ तनवीर का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो ताकि लोग जो अपने आइडिया भेजे, बिकॉज बहुत सारे आइडिया तनवीर बहुत सारे आइडिया बनाते हैं. आप लोगों को भी अगर कोई कोई शॉर्ट फिल्म का आइडिया हो, कोई शो का आइडिया हो, फिल्म का आइडिया हो तो प्लीज तनवीर को जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए. तनवीर अपना ईमेल आईडी दे दीजिए. यू नो ईमेल आईडी प्लीज सेल तनवीर विल मर्डर मी. But email I'll be the zombie then. ईमेल आईडी तो देना पड़ेगा ना तनवीर. हाउ विल पीपल कॉन्टेक्ट यू यार, अब इतने अच्छे प्रोड्यूसर को एक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइटर एक्टर के लिए होना तो चाहिए ना. तनवीर एट द डिंग डॉट इन. हाँ तो दोस्तों ये ईमेल आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लिख ले. ये वाला ईमेल आईडी रख लीजिए, ये बहुत काम का है. ऑल द एक्टर्स ऑल द राइटर जिनको भी कुछ अच्छा आइडिया आता है, अच्छी स्टोरी है, प्लीज तनवीर को कॉन्टेक्ट कर दीजिए. मैं कास्टिंग कर दूंगा, क्रिस्टल उसमें एक्टिंग कर लेगी. तनवीर इज माय प्रोड्यूसर फॉर फितरत आल्सो गाइस, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. और आई हैव डन सो मच वर्क फॉर तनवीर, ही इज माय प्रोड्यूसर आल्सो, ही हायर्ड मी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, सो आई हैव डन सो मच वर्क विद हिम, सो ही इज अ ग्रेट गाय. तो अभी कुछ भी काम हो तो बता देना, तनवीर मैं ही कास्ट करूंगा, क्रिस्टल ही एक्टिंग करेगी, तो आप कहानी भेजते रहो, अच्छी कहानी होगी. तो चैट के बाद आई माइट बी मर्डर्ड, सो आई माइट बी अ रियल ज़ॉम्बी, ही विल कम एंड मर्डर मी फॉर श्योर. How do we start? I think I can hear Apar laughing from the next house. He is also doing some live. Oh, he's में वो भी कुछ live कर रहे हैं. मैं इसको दिखाता हूँ. Oh, इसीलिए. Apari. वो बैठा हुआ है किसी कोने पे कुछ कर रहा है. इस कोने में वो भी आपकी आवाज है. Wow. What a beautiful view. Yeah, you should see this. This is what we're doing. So beautiful. जी तो अभी और कुछ सवाल आपको मुझसे पूछना है तो पूछिए, फिर मैं और क्रिस्टल अपनी बात करेंगे. हमको दो तीन बहुत अच्छी सी बातें करनी है आप लोगों के लिए. से माय नेम क्रिस्टल. क्रिस्टल प्लीज से वैष्णवी नेम प्लीज. वैष्णवी हाय हाउ आर यू. हाय हाय वैष्णवी हाय. गुरुप्रीत बोल रहा है. गॉर्जियस क्रिस्टल डिसूजा. यस गॉर्जियस क्रिस्टल डिसूजा. वो कुछ और सवाल है. कल पकौड़े बनाए थे आप, आपने छाबड़ा साहब. जी मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने बनाए थे. मैं डैड ने डैड मेड सम ग्रेट पकोड़ा. वो हमने अपार शक्ति और सबके घरों में भी बांटे थे, पड़ोसियों के घर पर. लेकिन जाना था तो हाँ. हाय मुकेश सर प्लीज रिप्लाई में. आई विश ऑलवेज ओपन द ग्रेट आइडिया. तनवीर हम लोग वी आर प्रमोटिंग यू ऑन लाइव, तो बहुत सारे आइडियाज आने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट. यस सर. कितनी बार बोला है मतलब दिन में, मतलब यू आई थिंक यू ड्रेस अप रियली वेल. आई मस्ट से थैंक यू. मुझे ड्रेस अप करना बड़ा पसंद है, वो मेरा हॉबी है. एंड माई फेवरेट हीरो इन अ कास्टिंग डायरेक्टर. ओह थैंक यू तनवीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो और क्या है, अपर्णा क्या बोल रही है. अपर्णा हंस रही है. डन सर एंड डन क्रिस्टल. ओके कैन यू प्लीज से माय नेम. मैं बोलूं कि वो बोले. मैं तो भी बोल सकता हूँ. चलो बोलो भैया आप बोलो, क्योंकि मैं बोलूंगा वह नाम तो अजीब लगेगा. लड़के को बोलने दो लड़के का नाम. क्या नाम? आज खान कैलाश. कैलाश नमस्ते, कैसे हैं आप? ओके सो दीप्ति एक सवाल पूछ रहे, मुझे पूछना है. व्हाट काइंड ऑफ रोल यू प्रेफर टू प्ले इन फ्यूचर क्रिस्टल? एनी रोल. आई लव प्लेइंग ऑल काइंड्स ऑफ रोल, बट आई थिंक I don't want to do an out and out positive character. I feel, you know, the character should have a lot of grey shades. Usme perform karne mein bhi zyada maza aata hai. So something little grey. That's interesting. I'm getting a great hint. To mujhe sochna padega kuch aise tedha aur. Tedha. Tedha. Bholi si shakal pe mat jao, apni akal ladao. Correct. हाँ सर आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो, वॉक इन ऑडिशन भी आ सकते हो, लेकिन ये सब पहले माहौल ठीक हो जाए उसके बाद anybody can walk into my office morning 11 to 5 के बीच में, अपना इंट्रो दे सकते हैं. और कोई भी अच्छी आपने कुछ स्पीच तैयार करी हो उबिया को अपने इंट्रो बोलना तो आप बोल सकते हैं. और बहुत ही सुंदर ऑफिस है टू बी ऑनेस्ट, बहुत प्यारा ऑफिस बनाया. यू वेंट टू द आउटसाइड एवरीथिंग. मैं तो आई एक दिन. थैंक यू. मैंने भी अपना इंट्रो दे दिया सर. अरे थैंक यू मैम. अब तो ऑफिस हमारा दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है, आप सब लोगों के लिए है. वाओ दैट्स गुड. बिग फैन, बिग फैन ऑफ तंबोला ग्रुप. ये यूजी चहल. हाय यूजी. अरे हाय
यूजी दुनिया में सबके साथ तंबोला खेलेंगे. आई कैन सी यूजी इज चैटिंग विद एवरीवन, गोइंग लाइव विद एवरीवन एंड डांसिंग. ही इज डूइंग हिज टिकटॉक्स. तीन टिकटॉक बनाए कि नहीं आज एज प्रॉमिस्ड? उसने रमनीत के साथ भी कुछ बनाया कल, ये तंबोला खेल रहा था तुम लोगों के साथ, रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है, क्रिकेट प्लेयर भी है. यूजी डूइंग सो गुड, ग्रेट. ही इज ऑल ऑलराउंडर, एक्चुअल ऑलराउंडर इज दिस गाइस, एक्चुअल ऑलराउंडर. आज प्रॉमिस किए थे कि मैं तीन तीन टिकटॉक बनाऊंगा, मैंने कहा मैं दो बनाऊंगी, मैंने तो अपने दो बना दिए. लोग बोल रहे हैं बादशाह लग रहा, भाई मैं बादशाह लग रहा हूं लेकिन मैं बादशाह नहीं हूं. दिल से बादशाह हूं मैं सर. क्रिस्टल माय मदर वन ऑफ द बिगेस्ट फैन. प्लीज मेरी अमन की मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है. नमस्ते आंटी, थैंक यू सो मच. प्लीज मेरे सारे शोज देखते रहिए. हाँ जी, और देखते रहिए, लोगों को बताइए कि वो आगे भी हमारे शो के बारे में बताएं, फिल्मों के बारे में बताएं, ताकि यही एक तरीका है जब आप लोगों से बात कर सकते हैं. प्लीज टेल योर फर्स्ट मूवी. उसकी पहली फिल्म है चेहरे, जो कि रूमी जाफरी जी ने डायरेक्ट किया है, आनंद पंडित ने प्रोड्यूस किया है, मिस्टर बच्चन, अनु कपूर, रघुवीर यादव और बहुत सारे ग्रेट एक्टर फिल्म के अंदर है, इमरान हाशमी, और उसमें लीड जो है वो क्रिस्टल डिसूजा है. मैंने बता दिया, देखो मैंने आपके बारे में बता दिया. थैंक यू मैम. प्लीज से माय नेम, सुश्री का नाम बोल दो एक बार. सुश्री, सुश्री हाय सर, डू आई हैव अ चांस इफ एनी आई सेंड माय प्रोफाइल ऑन मेल और इंस्टा? यस ऑफ कोर्स, सेंड प्लीज सेंड. एवरीवन हैज इट, सबके पास है भाई. कभी भी आपके अपने ड्रीम्स को मत रोको, सबको ट्राई करना चाहिए. प्लीज यू नेवर नो, यहाँ पे किसी के लाइफ के साथ कभी भी कुछ भी मैजिक हो सकता है. तो प्लीज डोंट वरी, कीप ट्राइंग, डोंट गेट इनटू नेगेटिव. मैं एक्टर बनूंगी, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ एकता मैम. मैं अपने कॉलेज के बाहर चल रही थी एंड शी स्पॉटेड मी एंड शी सेड कि वुड यू वांट टू बी एन एक्टर. इट वाज जस्ट दैट, देन आई वेंट एंटर एन ऑडिशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड. तो कोई भी कभी भी सिलेक्ट हो सकता है, इट्स जस्ट यू नो यू हैव टू गो एंड ट्राई. अगर आपने ट्राई कर लिया तो यू कैन, एवरीवन हैज अ चांस आई फील, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं था दैट आई वुड बी एन एक्टर. एंड एकता मैम चेंज्ड माय लाइफ बाय इवन स्पॉटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गिविंग मी द आइडिया कि मैं एक्टर बन सकती हूं. पर आई मस्ट से दैट द वे एकता थिंक एंड कास्ट ना, वो करण कुंद्रा फेसबुक से मिला तो उनको भी बताया, वो ऐसे कैसे, आई ऑलवेज फील कि यार बेस्ट कास्टिंग जो है ना वो एकता कपूर ही करती है. कैसे मतलब टेलीविजन में इतने सारे चेहरे जो लेकर आए, मुझे अच्छे से याद है. जब भी देखूं कोई भी बोलता है कि एकता स्पॉटेड में, एकता स्पॉटेड में, हमेशा एकता को बोलता है मेरा वाला काम तुम क्यों कर रहे हो मेरे जो मेरे लुक में लाते हो. या शी रियली शी हैज एन आई फॉर दिस आई फील, जस्ट लाइक यू. यू आल्सो डू इट सो वेल. एवरी फिल्म नाउ आई सी कास्टेड बाय मुकेश छाबरा, आई एम लाइक वाओ, दिस वाज कास्टेड वेरी वेरी वेल. यूजी फातिमा बोल रही है, क्या लुक है मुकेश सर. आए फातिमा सना शेख सर, आपसे सीखा है मैम, आपसे सीखा है फातिमा मैम, आपसे सीखा है. यूजी यार यू ऑलरेडी सिलेक्टेड डांस में, तो नाइस कैप, थैंक यू. यूजी तो डांस में सिलेक्ट हो गया, मैं देखता रहता हूँ लोग हर तरफ देखता रहता हूँ. और फातिमा इज हियर, हाय फातिमा, सब लोग हेलो बोल दे. क्रिस्टल फातिमा सना शेख, हाय फातिमा, व्हाट्स अप. ऑडिशंस, क्रिस्टल प्लीज से माय नेम, रुक मुसाफिर. वाओ, तो आज क्या बन रहा है खाने में? माय डैड इज अगेन कुकिंग समथिंग, ही सेड डैड वेट डोंट एंटर द किचन, आई एम डूइंग समथिंग एक्सपेरिमेंट. मैंने बोला ठीक है वाह. तो माय डैड इज ऑल्सो ट्राइंग. तो मैं बैठा हूं, बात कर रहा हूं अपने बहुत क्लोज दोस्तों से जिसमें एक आप हैं, तो मैं बात कर रहा हूं. क्यूटीज हाय, हाय फातिमा हाय. तो हम मैं बात कर रहा हूं और हम लोगों का भी कितने साल तो हो गए एक दूसरे को जानते हुए, बहुत साल हो गए. वो टाइम ही चला गया जब हम लोग सब बाहर जाया करते थे, टाइम माहौल चेंज हो गया ऐसा लगता है. वो दिन चले गए, बाहर ही नहीं जा सकते, पर जैसे ही ये खत्म हो जाए वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू गो, वी हैव टू कैच अ मील, कैच अप, टॉक, चिल. वो पेंडिंग है, बहुत समय से पेंडिंग है, बहुत समय से पेंडिंग है. हाँ, व्हाट्स योर हाइट क्रिस्टल? अरे क्रिस्टल की हाइट से क्या मतलब है? मिस हाइट ऑफ क्यूटनेस, हाइट्स ऑफ क्यूटनेस बता दो, बहुत है. तो मिस ढिल्लन, ये नवनीत कौर ढिल्लन पंजाब की बहुत बड़ी स्टार है, शी सिंग हेलो, हाय नवनीत, हेलो, हेलो, हाय नवनीत, हाय रिजू, रिजवान इज आल्सो हियर, वेयर इज द पार्टी? अरे रिजवान, अरे मुझे लगा तू भाग रहा होगा, तू तो भाग ही नहीं सकता, यू नॉट रनिंग, यू नॉट रनिंग, वेयर इज द पार्टी? पार्टी तो भैया यही है, हाउस पार्टी करके ऐप है, आप वहाँ पे मिलेंगे हम लोग. आज तो वो भी डिलीट कर दिया, मैंने सुना है कि बहुत हैंग हो रहा है. मुकेश सर कोई लौटा दे वो पुराने पुराने दिन. अरे यार यूजी यार, ये तो मतलब सब कुछ मतलब फॉलो चालू है. यूजी मैं आ रहा हूँ, यूजी आई एम कमिंग बैक टू यू, टेंशन मत ले. आई विश भी यूजी को भी ऐड कर लेते इसके अंदर. यूजी
आई विश ये भी वी शुड कंप्लेन टू इंस्टाग्राम एटलीस्ट चार पीपल एक टाइम लाइव होने चाहिए. ये टायर कॉप्स कॉट मी. अच्छा रिवान सिंह को भाग रहा था कॉप्स कॉट मी. अच्छा कुछ पर अच्छा यार घर पे रहे. वेरी गुड. वैसे अच्छा वेरी गुड. अच्छा रहने दे घर पे रहने. कंटेनिंग मारे थैंक यू कहना चाहिए. So Crystal, what's your day like? How, what do you like in cooking? What do you eating? You work out schedule? क्या हो रहा है? What's क्या चल रहा है? मैं सुबह उठती हूँ, अपना कॉफी बनाती हूँ, घर वर थोड़ा साफ करती हूँ, फिर chanting करती हूँ. I chant for around 20 minutes. फिर उसके बाद workout करती हूँ 45 minutes. फिर जाके नहा के खाना बनाती हूँ. अब खाना बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा भी नहीं है, सीख ही रही हूँ. तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या सब्जियां पड़ी है, फिर उस हिसाब से यूट्यूब में जाके सब्जियों का नाम टाइप करती हूँ. उसके ऊपर क्या निकल जाए किसे पता. आज मैंने बनाया है टमाटर और अनियन की भाजी, बस क्योंकि वही था मेरे पास. अरे वहां तो बाकी सामान ऑर्डर कर दो, ये तो लोग आपको घर पे सामान देके छोड़ने चलेंगे. भैया आपके बहुत सारे फैंस हैं जो घर पे सामान दे जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग. खाना भी मस्त बनाती होंगी आप. घर से बाहर मत निकलना. मेरे पास मैगी बहुत है, मेरे पास बहुत सारा खाना है, पास्ता वास्ता सब बनाऊंगी एक एक दिन. तो कोई आपका सवाल है कास्टिंग एक्टिंग से जुड़ा हुआ तो मुझसे पूछ लीजिए. यूजी बोल रहा भी और अब आवर 2000 केसेस इवन आफ्टर लॉकडाउन स्टिल पीपल आर गोइंग प्लीज. हाँ तो यूजी भी बोल रहा है कि भैया ऑलरेडी इतना लॉकडाउन होने के बाद भी 2000 केस हो चुके हैं, घर पे रहिए. हम भी देखो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बार बार आ जाते हैं. मैं कितने बार लाइव जाके बात कर रहा हूँ कास्टिंग में, बाकी आज से बात कर रहा हूँ, चैनल से बात कर रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कि प्लीज घर पे रहिए. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपने इस वक्त साथ नहीं दिया हमने एक दूसरे का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड ये बहुत लोगों को लगता है कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता. बात आपकी है ही नहीं. आप स्ट्रांग हो लेकिन आपके घर पे दादी स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी वजह से उनको हो सकता है, या बच्चे आपके घर में हैं उनको हो सकता है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है. तो बिकॉज ऑफ अ स्मॉल मिस्टेक दैट यू मेक बाय गोइंग आउट सेइंग मुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे आप अपने घर वालों को रिस्क पे डाल रहे हो. और घर वालों का मतलब पूरे इंडिया को. सो इंडिया हमारा घर है फिलहाल, तो प्लीज घर पे रहो, घर के अंदर रहो. कुछ टाइम बाद हम सब बाहर जाएंगे, हम सब वी विल लिव अ नॉर्मल लाइफ, पर ये जल्दी खत्म होने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा. और कुछ करना मतलब कुछ नहीं करना, घर पे बैठो. घर पे बैठना बहुत जरूरी है. मुकेश सर आप ऑडिशन करैक्ट करने के लिए कुछ टिप्स. अच्छा मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन करैक्ट करने के लिए कोई टिप्स नहीं होता. रिमेम्बर दो तीन चीजें कि अगर आप नर्वस हैं और आप ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर एंथुसियाज्म नहीं, पहले तो आपको नॉर्मल होना पड़ेगा. बिफोर यू एंटर ऑडिशन रूम जस्ट बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, मेक श्योर दैट योर हार्ट बीट आर नॉर्मल, एंड देन डोंट ट्राई टू डू एक्स्ट्रा एक्टिंग, जस्ट बी एब्सोल्युटली नॉर्मल. अपनी आंखों को मत छुपाओ, आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अपने आपको ज्यादा मेकअप करके मत जाओ. जितना सिंपल रहोगे, जितना फोकस ऑन क्राफ्ट में रहोगे, उतना ध्यान में रहेगा. जो भी आपको लाइन दी जा रही है उसको उतनी ही सोच के साथ करो. ओवर थिंक करके उस सीन को ज्यादा खराब मत कीजिए, बिकॉज हम उस जो भी पहला सीन करते हैं उसके सिर्फ हम आपकी ऑनेस्टी या इंटेंशन देखते हैं. हम सेकंड राउंड में उसको डिटेल में ऑडिशन कर सकते हैं, पहले सिर्फ आपकी इंटेंशन कैसी है हम वो देखते हैं. प्रियांक शर्मा इज ऑल्सो सेइंग हेलो. हाय प्रियांक. हाय हाय हाय. वाओ. That's a good tip. Thank you, sir. नहीं तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं ना ऑडिशन में आने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर एंथू एक्स्ट्रा मेकअप ओवर स्वीट, मतलब वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है. वो सिंपली उन लोगों को सीधा ऑडिशन में ध्यान देना चाहिए, जितना आपको बोला जाए उतना ध्यान करना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा करना नहीं चाहिए, वो बार का ध्यान रखना चाहिए. और भी आपको कुछ टिप्स पूछने. हाँ तो मैं बहुत सारा काम अभी कर रहा हूँ, तो जितनी भी हम कास्टिंग कर रहे हैं वो सबकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक में है. अभी अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता, आनंद राय, भूल भुलैया 2, थर्डम नेटफ्लिक्स के टेलीग्राम 2, ठुल्ले अमेजोन के 3 सीरीज, तो इतना सारा काम अभी चल रहा है. 6-7 और 15-10 राजू सर की फिल्म, इम्तियाज की अगली 1-2 फिल्म, विक्रम, तो ये सब अभी बहुत सारा काम चल रहा है. तो अभी बहुत सारा काम, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया में डाली है. अगर आपको लगता है कि आप उस रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं तो प्लीज उस पर ईमेल कर दीजिए, अपने अपना इंट्रो उसमें डालिए, हमारी टीम देखेगी, आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको स्क्रिप्ट भेजेगी, घर बैठ के अच्छे से ऑडिशन हम पे भेज दीजिए. लेकिन आप जब घर से ऑडिशन भेजेंगे तो 3 चीजों का ध्यान रखना. जैसे आई एम वेरी बैड, लाइक यू कैन सी लाइट ऑन क्रिस्टल फेस, मेरा फेस बहुत डार्क है. तो सबसे पहले आपकी लाइट ठीक होनी चाहिए ताकि आपकी आंखें देखें, आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होनी चाहिए. कैमरा हिलना नहीं चाहिए जब आप परफॉर्मेंस करें, शेक होगा तो हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है. आपके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल खाली होना चाहिए ताकि मेरा ध्यान जो आपके प्रॉपर्टी पे नहीं जाना चाहिए उस पे नहीं जाना चाहिए करते वक्त. ये चीजों का ध्यान दीजिए. और आपके इतना वक्त है अपने क्राफ्ट पे काम करने के लिए, क्योंकि आप घर पर है, आपका ट्रेवलिंग टाइम बच रहा है, ये सब बोल रहे, तो परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए. इन चीजों को ध्यान में रखना, कंफर्ट जोन में भी है,
कि आप अपना कंफर्ट जोन है, आप किसी के ऑफिस में या किसी के ऑडिशन रूम में नहीं जाके कर रहे, आप अपने घर पे कर रहे हो, तो आई फील इट्स मोर कंफर्टेबल आल्सो. तो आप 10 टेक ले सकते हो, बेस्ट वाला टेक दे सकते हो, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू. एंड यू गाइस आर लकी दैट यू हैव सो मच टाइम, यू कैन प्रैक्टिस एट होम. क्योंकि क्या होता है कि हमारे मेरे को हमेशा लगता है जो भी एक्टर्स है ना वो कम प्रैक्टिस करते हैं. डांसर भी घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, सिंगर भी प्रैक्टिस कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, लोग राइटर लिख रहा है, डायरेक्टर शॉर्ट डिविजन कर रहा है. सिर्फ एक्टर ही है जो सिर्फ सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, कि ऑडिशन में क्या करूँ. आप रोज एक प्ले उठाइए, एक प्ले उठाइए, उसका सीन पढ़िए, कुछ एक फिल्म का सीन लीजिए, उसको एनेक्ट कीजिए, आपके मोबाइल फोन है, आपसे शॉर्ट फिल्म बनाइए, घर बैठ कर उसको शूट कीजिए. आजकल तो इतना कुछ आप कर सकते हो. Please don't waste time. Utilize this time. Be happy. Be creative. Just spend energy on your craft. Yes. So nice. हमें अच्छे से सवाल हमने सोचा कि थोड़ा बातचीत करते करते इंफॉर्मेशन भी दे देंगे एवरीथिंग के अबाउट अबाउट जस्ट बाकी इसलिए. सो प्लीज मेरे मैं इंटरेस्टिंग हूँ कास्टिंग में, आप बताइए. सर मुझे कास्टिंग असिस्टेंट की जरूरत अभी नहीं है, अभी बहुत से लोग हमारे पास अभी ऑलरेडी है. तो अगर जब भी हमको अगली रिक्वायरमेंट लगेगी कास्टिंग असिस्टेंट की या इंटर्न की, तो हम उसको भी रिक्वायरमेंट हम डालते हैं. पर राइट नो वी हैव इनफ पीपल हु जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं. हाय क्रिस्टल, आई लव योर एक्टिंग. Where are you basically from? हाँ जी, आप कहाँ से basically, आप बता दीजिए. क्या बॉम्बे से? मैं बॉम्बे से ही हूँ, born and brought up in Bombay. Schooling भी यही की, कॉलेज भी यही पे, काम भी यही पे, रहना भी यही पे. These are such great ideas. The diaries of Diana Singh, these are very great ideas. Thank you, because होता क्या है कि मैं मेरा यही काम है ताकि जितने भी, और आपको इन्फॉर्मेशन किसी और को भी पास कीजिए. बिकॉज होता है कि हमारा नेगेटिव दिमाग होता है, अरे उसका क्यों हो गया सिलेक्शन, मेरा क्यों नहीं हुआ. हम लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, स्पेशली एक्टर्स लोग. यू हैव टू जस्ट स्टे पॉजिटिव प्लीज, बिकॉज आप बार बार किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते. अपने क्राफ्ट पे ध्यान दीजिए और उस पर खुश रहने की कोशिश कीजिए. मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. एंड रिक्वायरमेंट कास्टिंग असिस्टेंट दिल्ली जी, अभी भी कास्टिंग असिस्टेंट दिल्ली में अभी नहीं है, जब होगी तो आपको बता दीजिएगा. अभी हमने अभी रखा था तो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. Crystal, your name is very sweet. मैम आपका नाम बहुत स्वीट है. थैंक यू. And who's your favorite actor, Crystal? My favorite actor is Ranveer Kapoor. I really like his acting. अच्छा, and female? Female Alia. Director? क्या जोड़ी है मतलब? और director? Rumi sir. चलो रूमी, वो तो अपने हैं ना, उनको नहीं नाम दे, ऐसे नाम देना जिनका तो अपने काम नहीं किया. चलो ठीक है, एक और नाम दो. मुकेश. दिल बेचारा. I have a favorite, of course. I've loved his work. I love how he thinks highway, you know, these films that have made people into actors, that you know you look at them in a certain way, because I feel his direction is that good. So I really like Imtiaz. I started with him, my first Love Aajkal was my first film with him in Bombay. What a film. So I started with him and now Love Aajkal 2. So tab se leke ab tak sara rishta 10 saalon tak ka pura decade mein uske sath hi kaam kiya. So much great experience, great guy Ranbir Kapoor and Casanova. Achha theek hai ji, to achhi baat hai bhai, achhi baat hai uske liye, good for him. आप जेलस हो सर? टिकटॉक क्यों करते हो? क्या वो एक्टर है? नहीं सर, जो टिकटॉक करते हैं वो एक अलग तरह का प्रोफेशन है. पीपल आर डूइंग सो वेल इन टिकटॉक वर्ल्ड. वो वर्ल्ड एक अलग वर्ल्ड है, दिस इज अ डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड. उसमें जिस तरह से लोग ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को बिजी रख के वो अपनी एक पहचान बना रहे हैं, उस पहचान का फिल्म के कास्टिंग और फिल्म के एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है. बट जो भी लोग कर रहे हैं अपने आप को, वो मोस्टली उनकी आवाज नहीं होती है, आप किसी और की आवाज पे, किसी और की मॉड्यूलेशन पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इट डजंट रियली गो वेल एज एन ऑडिशन और एज व्हाट यू कैन डू. So best way to give an audition is to give an audition. TikTok and all is for time pass, for fun, you know, but one thing I like about TikTok people, actually they're not wasting time, they're creating something and doing something all the time. Because they're doing something, वो बहुत important बात होती है. Because हम खाली नहीं बैठे, वो लोग कुछ ना कुछ create कर रहे हैं. Because अगर मुझे एक video बनाना पड़े दिन भर, तो मैं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. वो लोग दिन में चार वीडियो बनाते, फटाफट आइडियाज आते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, म्यूजिक डालते हैं, पोस्ट करते हैं. आई थिंक वो बहुत मेहनत करते हैं, पर उस ये इस एक्टिंग और कास्टिंग से लेना देना नहीं है, तो उसको हम थोड़ा अलग रखते हैं. और आपके नहीं ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, आप एक्टर नहीं बनते हैं. आपके फॉलोअर्स को देख के हम कभी ऑडिशन पे नहीं बुलाते हैं. बिकॉज अगर पंकज त्रिपाठी का तो फॉलोअर्स ही नहीं थे जब उसको कास्ट किया, राजकुमार के फॉलोअर्स ही नहीं थे, तो फॉलोअर्स से एक्टिंग कभी भी नहीं जज कर सकते हैं.
अंजलि सिंह, आई हैव मेड अ स्केच ऑफ यू क्रिस्टल. ओके मैं अभी जाके देखती हूँ. आप दिखा दीजिए, यहाँ पर नहीं दिखा सकते, काश पोस्ट नहीं कर सकते ना. हेलो हेलो हेलो. तो आपके हम दो तीन आखिरी के दो तीन सवाल लेंगे जी. गो गो लाइव गुड एक्टर, थैंक यू. दो तीन सवाल अभी क्रिस्टल, यू टेक फ्यू सवाल. मैं सब जवाब दे दिया मैंने तो. मैंने तो सिर्फ हार्ट सी हार्ट देख रही हूँ और लोग हाय 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 बोल रहे हैं. से माय नेम, से माय नेम. व्हाट्स योर व्यूज अबाउट भुवन बाम बीबी के वाइन. अच्छा आप बताओ, मैं बोलूंगा आप बताओ भुवन के बारे में. और भुवन इज सच अ लवली गाय, टेली बॉय. मैं बहुत सालों से उसको जानता हूँ और जिस तरह की उसकी एनर्जी है, उसने अपने आप का जैसे एक स्पेस क्रिएट किया है विदाउट किसी के हेल्प के, बिना अपना एक स्पेस क्रिएट करना, ये बहुत अच्छी बात होती है. बिकॉज मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो बिना किसी हेल्प के अपना एक स्पेस क्रिएट करते हैं. जिस तरह से उसने बीबी वाइन शुरू किया, जिस तरह से उसने अपने आपको इतने आइडिया लगा लगा के जिस तरह से उसने अपना एक स्पेस बनाया, आई थिंक वो एक वो फोकस आदमी कर सकता है. तो इज अ वेरी गुड एंड इज अ ग्रेट गाय, यू शुड डेफिनेटली फॉलो हिम एंड ही मेक्स सच ग्रेट फनी स्टफ. मैंने उनका एक बहुत फनी वीडियो देखा था जहाँ रेड कार्पेट या किसी पे ही वाज लिप सिंकिंग की लोग क्या क्या सोच रहे और क्या बोल रहे. इट वॉज सो फनी, इट वॉज सो एंटरटेनिंग एंड सो क्रिएटिव. सो आई ऑल्सो रियली लाइक हिज स्टफ भुवन बाम. सर डू यू कंसिडर लुक्स वाइल कास्टिंग? डिपेंड्स नॉट एट ऑल. नो एक्चुअली मेरे को हमेशा लगता है कि लुक्स तो मैं कभी लुक्स की बात नहीं करता. मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ, जो मेरे कैरेक्टर में लोग मुझे बोलेंगे मैं उस कैरेक्टर को ढूंढता हूँ. मैं एक कि वो अगर वो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से जाता है तो मैं उसको ढूंढूंगा. मेरे लिए लुक्स से बेहतर है कि वो लुक्स तो करेक्ट है लेकिन उसको एक्टिंग नहीं आती तो फिर भी वर्क नहीं करेगा. तो पहले मुझे मेरा कैरेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मुझे मैं एक्टर नहीं ढूंढता हूँ, कैरेक्टर ढूंढता हूँ. बिकॉज मेरे स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स होते हैं, मैं उस कैरेक्टर को ढूंढता हूँ. सर एक एक्टर को इंग्लिश आना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. बिकॉज आप हिंदी फिल्म में काम करते हो, आप हिंदी फिल्म में काम करते हो, बल्कि एक्टर को तो हिंदी में ही सोचना चाहिए. बिकॉज यू वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री, ऑफकोर्स आप इंग्लिश बोलते हो बिकॉज वी ऑल यूज हिंदी इंग्लिश, बट एक्चुअली आपको मिक्सी के आपको हिंदी आनी चाहिए भैया. बिना हिंदी के आप एक्टिंग कैसे करोगे? आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको. एंड लास्ट क्वेश्चन टू गिव द ईमेल वेदर वी कैन सेंड. अच्छा ईमेल आईडी मैं टाइप करके दे देता हूँ तो आपको मिल जाए, लिख लो. Is चेहरे ट्रेलर आउट? Lots of love to you. No, चेहरे का ट्रेलर is not out as yet. जब आउट होगा तो मैं शेयर करूंगी. And I'm really looking forward to it. And Mukesh Chhabra at mccc.in is the ID that you can send your auditions to, guys. Aramnagar Part 2, 32 number में मेरा office है. दिल्ली में SDA Market में है, चंडीगढ़ में मोहाली में है. ये सब भी आपको बता देता हूँ. Wow. That was very informative. This whole session. ऐसा होना चाहिए ना, सब कुछ होना चाहिए लाइफ में. बहुत बहुत अलग अलग बात होनी चाहिए. हाँ स्पोर्ट्स की बात लोग करना चाह रहे. हाँ यार ओलंपिक्स भी पुश हो गया है, आईपीएल भी नहीं हुआ. आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हमारे जो वर्ल्ड में और जो भी हमारे देश में भी जो हालत चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो रही है. आई थिंक स्पोर्ट्स फिल्म सबसे मैटर है. सर्वाइवल हम सब लोग अभी राइट नाउ फिगरिंग आउट कि कैसे आपने अपने अपने आप को संभाले. पहले तो अब देश को आपस में मिलकर संभालना पड़ता है, पहले वो ठीक करते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स और फिल्म में तो फिर बन जाएंगे. वो अभी ऑन होल्ड है, आ जाएंगे जब हम सब ठीक होंगे, हम सब बाहर जाएंगे, थिएटर्स ऑन हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा. ठीक है चलो, एक घंटा से बात कर रहे हैं हम लोग, दैट नॉट बैड. वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ अस. और फितर 2 कब आ रहा है? पूछ रहे फितर 2 कब आ रहा है, इनको बता दो. तन्वीर का सवाल है, तन्वीर. No idea. अभी फितरत 2 लिखा जा रहा है तो let's see, जब ये सब खत्म हो जाएगा मीटिंग शुरू होंगी एंड देन वील सी फ्रॉम देयर. बट यस फितरत 2 दे आर प्लानिंग ऑल्ट एंड डिंग इज प्लानिंग फितरत 2, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मैं कास्टिंग करूंगा, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी. प्लीज फॉलो कीजिए, अपने को इन्फॉर्मेशन दिए काम के रिगार्डिंग. ओके बाबा, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लवली चैटिंग विद यू. Thank you all for joining in another live session and I will see you guys soon. Hope you all are safe and stay safe, be good. Love you all.